यो व्हाट्सअप गेमर्स, इस सुबह एपिक और गाइस आज हम लोग खेलने वाले एक ऐसा खतरनाक गेम जिसमें इतने खतरनाक क्रिएचर है कि तुम लोग भी उसे देख के कहोगे कि है इसके सामने एंडर ड्रैगन तो बच्चा है बच्चा। तो गाइस मुझे तो ये बेसिकली माइनक्राफ्ट लगा, बस थोड़ा सा डेवलप्ड ग्राफिक्स है इसमें और डेवलप्ड से मेरा मतलब है 3D। बस मुझे ना इस गेम की एक बात पसंद नहीं है, मैं ठहरा वेजिटेरियन बंदा और इस गेम में हम लोग को मछलियों को मस्त तेल में फ्राई करके खाने का रहता है। तो चलो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अपना प्यारा प्यारा गेम जिसका नाम है सब नौटंकी। तो अब मुझे चुनना है कि मैं कौन सा खेलूं, सर्वाइवल है, फ्रीडम है, हार्डकोर है, क्रिएटिव है, और हम लोग खेलेंगे सर्वाइवल। ऑब्वियसली तो गाइज फाइनली हम लोग सब नौटिका खेल रहे हैं। ये प्रेस एनी बटन। ओके सर जी, तो शायद हम लोग क्रैश लैंडिंग कर रहे हैं। बाह, और ये बंदा मैं हूं आई गेस। 2-1 तो भाई हम लोग गेम स्टार्ट होने से पहले ही मर गए। बाह, नोप, कैन बी सर्वाइव दिस? ओ तबाही, पूरी तबाही, मत्था फूटेगा मेरा मत्था मेरा मत्था फूट गया लोल। वैसे मैं बता दूं मैंने सबनॉटिका कभी नहीं खेला। सबनॉटिका बिलो जीरो हल्का बहुत खेला है, थोड़ा सा 10-15 मिनट, लेकिन ये गेम कभी नहीं खेला है। ओ तो मुझे कुछ करना है यहाँ पे। पिक अप दिस। ओ यस, हम लोग आग बुझा। अरे नहीं, मैं आग में क्यों घुस गया, ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था मैं। आग बुझाओ बुझा दिया। ये क्या है, हम लोग का फ्यूचरिस्टिक गैजेट? ओके, यू हैव सफर्ड माइनर head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive. तो हम लोग आ गए एक एलियन वर्ल्ड में। बाह, वैसे इतना तो मुझे बेसिक पता था। तो फाइनली गाइज हम लोग आ गए किसी एलियन प्लैनेट में और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले है वार्निंग और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लाल लाल दिख रहा है, मतलब कुल मिला के हमारी वॉट लग चुकी है। ये क्या है, मेडिकिट फैब्रिकेटर। ओ तो हम लोग को फर्स्ट एड किट मिल गया है, क्या मैं इसे यूज कर लूँ? ना, अभी रहने देते हैं। और ये रहा हम लोग का प्यारा प्यारा फैब्रिकेटर, या फिर तुम लोग इसे क्राफ्टिंग टेबल भी कर सकते हो। चलो हम लोग ने अंदर कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर कर लिया है, अब बाहर भी चल के देखा जाए। ओ भाई वो क्या था, फैंटम है क्या? लॉल फैंटम यहाँ पे कहाँ से आ गया? और वो रहा हम लोग का जहाज। मतलब मैं इस गेम में भी सिंगल मरने वाला हूँ। और वो जहाज कितना छोटा दिख रहा है यहाँ से। कोई बात नहीं। ओ माई गॉड, ये क्या है? ओ तो फाइनली हम लोग आ गए समुंदर में गाइस, और यहाँ पे ढेर सारी मछलियां हैं। वाह, इसे पकड़ो। ओए कहाँ भाग रही है, रुक। अरे आजा मेरे पास आजा डार्लिंग, अरे आजा। तो हम लोग ने एक पीपर को पकड़ लिया है। बाह, अब बस एक ही काम बचा है, मस्त तेल में फ्राई करके खाने का। और अंदर क्या क्या है? ओ ये क्या है, कैसा अजीब लग रहा है देखने में, और सबसे ज्यादा अजीब तो ये लग रहा है, क्या है इसके पीछे, इसका पूछ कितना अजीब है। ओ माय गॉड, ओ ओ ये तो कंगारू लग रहा है। ओ ओ ओ ओ शायद ये गुस्सा हो गया मुझसे। हेलो भाई साहब, क्या मैं आपके ऊपर बैठ सकता हूँ? ओ यार ठीक, ये तो गैस छोड़ रहा है। चलो एक बार अपने शिप पे चला जाए, आखिर मैं भी तो देखूं वहाँ पे क्या क्या छुपा रखा है इसने। लेट्स गो। और तू क्या देख रहा है, तू भी मेरे साथ चल रहा है, समझा ना? ये एक स्पेस शिप के लिए काफी छोटा नहीं लग रहा है? ओ नो, ये उतना भी छोटा नहीं है जितना दूर से देखने में लग रहा था। रेडिएशन डिटेक्टेड। ओके तो हम लोग शायद इस शिप पे नहीं जा सकते हैं, मैं समझ गया। तो अब हम लोग को बेसिकली सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे ढेर सारे सामान ढूंढने पड़ेंगे, जैसे ये क्या, ब्लूप्रिंट्स। ये सब रहे हमारे ब्लूप्रिंट्स और हम लोग इससे सामान क्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे ये पीपर के लिए हम लोग को साल्ट डिपॉजिट ये सब चाहिए, और हम लोग ढेर तरह के टूल्स भी बना सकते हैं। चलो अच्छा है, चलो क्राफ्टिंग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं इस पीपर को। और ये क्या है, येल्लो चमक रहा है, क्रीप वाइन, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? ओ तो हम लोग को कुछ न्यू ब्लूप्रिंट मिला है। और ये रहे हम लोग के जहाज के टूटे फूटे पार्ट्स, क्या इससे हम लोग कुछ सामान कलेक्ट कर सकते हैं? नोप, ना ये नहीं खुल रहा है। ए
alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Okay. ये देखो ये ब्लैडर फिश कितना अजीब लगता है देखने में। मैंने इसकी गर्दन पकड़ रखी है लॉल। बाप रे कितने सारे चीज क्राफ्ट कर सकते हैं हम लोग इस गेम में। और ये क्या है? जाइंट कोरल क्यूब है। इसमें घुसा जाए। ओ ये तो एक राइड तरह का हो गया। वाह ओ फाइनली हम लोग को मिल गया है टाइटेनियम। कहाँ गया मेरा टाइटेनियम? यस टाइटेनियम। वाह चलो और टाइटेनियम कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एसिड मशरूम इससे क्या होगा? पर्पल फंगस, एसिडिक फ्लैश और ये है वाइंड नेटल। इसे कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग क्या? ना। ओ यार बार बार ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों चिल्लाते रहती है? ईट समथिंग। ओके क्या हम लोग क्या खा सकते हैं? पीपर को खा सकते हैं और ब्लैडर फिश को भी खा सकते हैं। क्या खाऊं? चलो इस पीपर को खा लेता हूँ, शायद हम लोग का काम हो गया है। ओ वाओ इस मून को तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। और गाइस यहाँ पे रात होने वाली है। ओ चल भैया घुस जा इसमें, मेरे को मरने का नहीं है। पूरा टूट फूट के कबाड़ा बन गया है। डैमेज सेकेंडरी सिस्टम्स, तो हम लोग को इसे रिपेयर करने के लिए टूल चाहिए। ओके तो हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ क्राफ्ट भी कर सकते हैं। पानी क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके तो हम लोग ब्लैडर फिश से पानी क्राफ्ट कर सकते हैं और खाना भी क्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. ठीक है मैं समझ गया, पर मुझे नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा इसके लिए। और हम लोग कुछ टूल्स भी क्राफ्ट कर सकते हैं जैसे एयर ब्लैडर। बाह रिसोर्सेस में हम लोग क्या क्राफ्ट कर सकते हैं? लुब्रिकेंट। हट उसे क्राफ्ट करके मैं क्या करूँगा? एक बार रात को बाहर निकल के देखा जाए क्या? ओ माई गॉड हम लोग का सिप देखो कितना खतरनाक लग रहा है। लेट्स गो। ओ यस रात को देखो मछलियां चमक रही है। वाह और ये सब कोरल्स के देखो, वाह कितना मस्त लग रहा है, एकदम शाइनिंग शाइनिंग। ओ ये मून तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। लग रहा है मैं अभी उस पर जंप लगा के पहुंच सकता हूँ। Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. Oh, यहाँ पे दो दो मून है, मून नंबर वन मून नंबर टू। इतनी जल्दी रात हो गई। चलो हम लोग थोड़े से रिसोर्सेस कलेक्ट करते हैं जैसे कि ये देखो ये कैसा अजीब लग रहा है, ब्रेन कोरल। और ये डेफिनेटली ब्रेन जैसा लग रहा है। रात को यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अंधेरा लग रहा है। चलो छोड़ो हम लोग वापस चलते हैं अपने लाइफ पॉड में। हम लोग सुबह होने का वेट करेंगे, तब तक मैं देख लेता हूँ मैं क्या क्या बना सकता हूँ। तो इक्विपमेंट में बना सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड O2 टैंक, इसके लिए 3 टाइटेनियम चाहिए। फिन्स बना सकते हैं, सिलिकॉन रबर चाहिए। और स्कैनर बना सकते हैं, स्कैनर के लिए हम लोग को बैटरी चाहिए। और रिपेयर टूल भी बना सकते हैं, तो शायद रिपेयर टूल से फाइनली हम लोग इसे रिपेयर कर सकते हैं। और फ्लैश लाइट, हाँ तो इसकी जरूरत तो है हम लोगों को। और सुबह हो गई है तो चलो जय गंगा मैया। हम लोग ढूंढ के आते हैं टाइटेनियम और कॉपर ओर। अरे ये देखो ये बूमरैंग जैसा दिख रहा है, इसका नाम क्या? ओ सही में इसका नाम बूमरैंग है। ये कलेक्ट कर लेते हैं एसिड मशरूम। ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यार हम लोग को सबसे पहले स्टैंडर्ड O2 टैंक बनाना पड़ेगा। टाइटेनियम कितने गया भाई? टाइटेनियम टाइटेनियम। अरे यार खाना भी खाना पड़ेगा, हद हो गई। जल्दी जल्दी मुझे यह काम करना पड़ेगा। और शायद हम लोग को टाइटेनियम मिल गया है, कॉपर ओर मिला है। वाह ओ तो फाइनली हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। वाह और चलो जल्दी जल्दी खाना कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है? हम लोग को एक मेटल सैलवेज भी मिला है। वाह अरे यार जल्दी से हम लोग को दाना पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। और रुक जा ब्लैडर फिश, रुक रुक। हाँ तू कहाँ भाग रहा है? बचेगा नहीं बचेगा नहीं, आ जल्दी आ मेरे पास। मेरा पॉड कहाँ गया? मेरा पॉड वो रहा। चलो जल्दी सा दाना पानी का इंतजाम कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को बनाना है खाना। चलो इस बार हम लोग बूमरैंग खाएंगे और एक पानी भी बना लेते हैं हम लोग। और हम लोग डेफिनेटली इस पीपर को भी खाने वाले हैं। ओ यम्मी यम्मी यम्मी। तो चलो हम लोग वापस से टाइटेनियम ढूंढने चलते हैं। लेकिन उससे पहले ओ ओ ये क्या हुआ? What the hell just happened? पता नहीं क्या हुआ लेकिन ये केव लग रहा है किसी तरह का। और हम लोग को मिल गए हैं क्वार्ट्ज। ओ ओ ओ आई एम सॉरी
ये तो सीधे बूम बैम पे आ जाता है भाई साहब, उससे बच कर रहना पड़ेगा मुझे। और ये क्या है, और हम लोग को मिल गया है एक और टाइटेनियम। वाह, बस एक और टाइटेनियम फिर हम लोग बना पाएंगे अपने लिए एक स्टैंडर्ड O2 टैंक। और ये क्या है, सैंड। ओ तो हम लोग को सिल्वर मिल गया है, वाह। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यार ये कुछ ज्यादा ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन करके चिल्ला रही है। टाइटेनियम कितने है? ओ हेलो मैडम जी, इसका नाम क्या है? ओ अरे ऑक्सीजन, नहीं 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 नहीं, बच गया। ओ हम लोग को एक और मेटल सैल्वेज मिला है, वाह। देखा मैं ये गेम कितनी अच्छी तरीके से खेल रहा हूँ। और ये हम लोग को मिल गया है बीकन फ्रैगमेंट, क्या हम लोग इसे उठा सकते हैं? नहीं, एक और बीकन फ्रैगमेंट है यहाँ पे, क्या मजाक है, हम लोग इसे भी नहीं उठा सकते हैं। अरे भैया जी, सही में मुझे एक टाइटेनियम ओर की और जरूरत है बस, और शायद हम लोग को वो मिल जाएगा यहाँ से। ओह यस, तो गाइस फाइनली हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया तीन तीन टाइटेनियम, और थैंक गॉड इससे मैं बना सकता हूँ एक स्टैंडर्ड O2 टैंक। अब मुझे उस मैडम जी का ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं सुनना पड़ेगा। जल्दी सा बनाओ, क्या बनाऊ, स्टैंडर्ड O2 टैंक। ओ ये, तो हम लोग अब 75 सेकंड तक पानी के अंदर रह सकते हैं, नाइस। और अभी अभी जस्ट हाई कैपेसिटी O2 टैंक का रेसिपी अनलॉक हुआ था, ये रहा। इसके लिए हम लोग को चाहिए ग्लास 2, टाइटेनियम 4 और सिल्वर ओर। और गाइस शायद फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं इसे यूज करूं। अब मुझे क्या बनाना चाहिए, हम लोग को एक स्कैनर बनाने की जरूरत है डेफिनेटली। और मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, हम लोग सिलिकॉन रबर भी बना सकते हैं, वाह। तो इससे हम लोग का फिंस भी अनलॉक हो गया है, यस। तो हम लोग को फिंस भी मिल चुके हैं, और हम लोग ग्लव्स बना सकते हैं, ग्लासेस बना सकते हैं, और ये दोनों किसी तरह का कंप्यूटर चिप लग रहा है। लेट्स गो गाइस, मुझे अगला चीज बनाना है स्कैनर और डेफिनेटली ये सर्वाइवल नाइफ। और दोनों के लिए हम लोग को चाहिए टाइटेनियम। और यहाँ कहीं पे स्टोरेज था ना, कहाँ गया स्टोरेज, ये रहा। तो हम लोग इसके अंदर सामान डाल सकते हैं, और इसमें ऑलरेडी सामान है, प्लेयर है, 2 फिल्टर्ड वाटर है और न्यूट्रिएंट ब्लॉक है। चलो हम लोग ये सब डाल देते हैं फिलहाल के लिए इधर, एंड लेट्स गो टू आवर टाइटेनियम फाइंडिंग मिशन। ना भैया अंदर चलो, अंदर चलो वापस। ओ तो बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि हम लोग का जो ये शिप है वो एक एटम बम बन चुका है। नाइस, मुझे धूम धड़ा के पसंद है, लेकिन तब जब मैं उसमें फट के मर ना जाऊं। पानी चाहिए होगा हम लोगों को, चलो मैं ये यूज कर रहा हूँ। इन सब मेटल सैल्वेज का मैं क्या करूँ, कंपोज प्राइमरली ऑफ टाइटेनियम 26, शायद हम लोग इससे टाइटेनियम बना सकते हैं। कहाँ गया, ओके तो हम लोग इससे टाइटेनियम बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बनाऊंगा मैं। सेट यार, स्कैनर नहीं बना सकते, स्कैनर के लिए हम लोग को बैटरी चाहिए, और बैटरी के लिए हम लोग को एसिड मशरूम और कॉपर ओर चाहिए। वेट ऐसे दोनों तो मेरे पास है, ये रहा कॉपर ओर, ये रहा एसिड मशरूम, और ये बन गया हम लोग का बैटरी। और फाइनली हम लोग बना सकते हैं अपने लिए एक प्यारा प्यारा स्कैनर। The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Nice. सुबह हो गई मामू, चलो चल के कुछ स्कैन किया जाए। इसे स्कैन करके देखता हूँ, रुक जाओ। गैसोपॉड, जिसने भी नाम रखा है एकदम सही रखा है। और रुक जाओ रुक जाओ, रैबिट रे, इसे स्कैन करना है मुझे। अरे यार हम लोग को बहुत जल्द हाई कैपेसिटी O2 टैंक भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो पता चला ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन करके मेरा मत्था खराब कर देगी। और क्या स्कैन कर सकते हैं हम लोग, ये क्या है, टेबल कोरल, इसे स्कैन करो। ओ हम लोग को कुछ न्यू चीज मिला है, पावर सेल, ओके। ओ ब्लैडर फिश, रुक जा मुझे पानी की जरूरत है, रुक जा, भाग कहाँ रही है, कम ऑन एयर, जल्दी जल्दी, इसे भी पकड़ूंगा। कहाँ गई, बूमरैंग, आजा 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 आजा। ओ ओ मेरा हेयर स्टाइल तो कुछ ज्यादा ही कूल है। आई एम अ कूल बेबी नाउ। गैडीफिश, वाह। अब बोल रहे हैं यहाँ पे स्पॉन्जबॉब भी है, ये कुछ खतरनाक देखने में लग रहा है। चलो एक बार सांस लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि इस साइड क्या है।
ओ यहाँ पे कुछ मिला मुझे, व्हाट द हेल इज दिस, क्या मैं इसे स्कैन कर सकता हूँ? ना नहीं कर सकता। ओ जलपरी, जो कि देखने में काफी बदसूरत लग रही है। स्टॉकर, क्या मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा स्टॉकर से? बस यही कमी रह गई थी, गेम में भी मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा। एक तो एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ रहा है वो कम है। यहाँ पे कोई ओर्स वोर्स नहीं है क्या? ये क्या है, कुछ तो मिला है। साल्ट डिपॉजिट मिला है मुझे। ओ और कुछ मिला है मुझे, मेटल सैलवेज, फिर से मेटल सैलवेज मिला है मुझे। ओ तो मेरा इन्वेंट्री फुल हो चुका है। चलो एक बार अपने लाइफ पॉड में वापस चला जाए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपने लिए पानी, ये रहा हम लोग का पानी। तो अब और क्या, ओ फाइनली हम लोग बना सकते हैं सर्वाइवल नाइफ। Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. So sad. तो गाइस फाइनली हम लोग को मिल चुका है अपना प्यारा कटाना। हैया जल्दी से पानी खाओ, पानी खाओ, पानी खाओ। अरे पानी पियो रे पागल। चलो सबसे पहले सारे मेटल सैलवेज को कन्वर्ट कर देते हैं टाइटेनियम में। तो अब हम लोग और क्या बना सकते हैं? ये बनाना है मुझे, हाँ, ताकि वो बार बार ऑक्सीजन ऑक्सीजन करके चिल्लाती ना रहे। तो स्टैंडर्ड O2 टैंक तो है हमारे पास, टाइटेनियम भी है, ग्लास और सिल्वर ओर भी है हम लोगों के पास। ये रहा सिल्वर ओर, चलो ये भी रख लेता हूँ। Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Oh great! मतलब 2 घंटा में बूम बैम होने वाला है यहाँ पे। तो हम लोग के पास बस 2 घंटा इस प्लैनेट से बच के भागने के लिए। Nope. High capacity O2 tank के लिए। ओ हम लोग को एक और ग्लास चाहिए। मैं गधेड़ा हूँ, वो नहीं बनाना था मुझे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फटाक से ढूंढ लेते हैं अपने लिए एक और क्वाज, ताकि हम लोग हाई कैपेसिटी O2 टैंक बना सके। क्या हम लोग चक्कू से इसका कुछ कर सकते हैं? ओ तोड़ सकते हैं, नाइस, देखा मेरा बिग ब्रेन। और यहाँ पे मिल गया हम लोगों को क्वाज, टाइटेनियम आई गेस, कॉपर ओर मिला है। चलो कॉपर ओर थोड़े बहुत रेयर होते हैं। और यहाँ पे टाइटेनियम मिला है, और यहाँ पे कॉपर ओर मिला है, यहाँ पे क्वाज मिला है। ओ यहाँ पे तो खूब सारे रिसोर्सेस भरे हुए हैं। ऑक्सीजन, अरे मैं अभी कौन से गुफे में था, शायद इसमें था। और गाइस ये देखो इस छेद में अंदर कुछ काफी खतरनाक दिख रहा है मुझे, जिसके अंदर मैं फिलहाल अभी नहीं जा सकता। ये स्टैंडर्ड O2 टैंक कहाँ गया? सिल्वर ओर, ग्लास, कॉपर ओर, टाइटेनियम सब कलेक्ट कर लेते हैं। और गाइस शायद फाइनली यस हम लोग फाइनली हाई कैपेसिटी O2 टैंक बना सकते हैं। ओ माय गॉड, ओ जल्दी से इक्विप करो, जल्दी से इक्विप करो, इसे अनइक्विप करो। ओ माय गॉड, हम लोग अब 135 सेकंड तक पानी में रह सकते हैं। अ फ्यू इंचेस लेटर, इमरजेंसी, अ क्वांटम डेटोनेशन हैज अकर्ड इन द ऑरोरास ड्राइव कोर, द रिएक्टर विल रीच अ सुपर क्रिटिकल स्टेट इन T-10, 9, 8, 7। ओ माय गॉड, क्या होने वाला है? हो गया बूम बैम फाइनली। अब पता नहीं इससे हमारे गेम को क्या फर्क पड़ेगा। ओ मैं समझ गया, अब हम लोग फाइनली अपने शिप पे जा सकते हैं, क्योंकि ब्लास्ट होने के कारण रेडिएशन तो खत्म हो चुका है। तो यस गाइज हम लोग अब फाइनली अपने शिप पे जा सकते हैं, नाइस। तो गाइज आज का वीडियो मैं यही एंड कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।